हेलो किड्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 1, लार्ज नंबर्स। टुडेज आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसा कि आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, थर्ड क्लास में भी 4 डिजिट्स का, जैसे आपने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो आप कैसे लिखते हो उसको? प्लस प्लस करके लिखते हो ना। तो अब इसके लिए देखो आप क्या करोगे, पहले इसकी प्लेस वैल्यू निकालिए। 1 की क्या है 1, 2 की क्या है 20, क्योंकि ये कहाँ पे है, टेंस पे है। 4 की क्या आ जाएगी आपके पास 400, 6 की क्या आ जाएगी आपके पास 6000, क्योंकि ये थाउजेंड्स प्लेस पे है, और 0 इज़ ऑन 10000 प्लेस, तो इसकी क्या आ जाएगी 0 ही आ जाएगी। और इसकी क्या आ जाएगी 5 इज़ ऑन लैक्स प्लेस, तो इसकी क्या आ जाएगी आपके पास 5 लैख। ठीक है, अब इसके एक्सपेंडेड फॉर्म आप कैसे लिखोगे? 5 लैख प्लस 0 प्लस 6000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 1। आप कभी भी यहाँ पे 0 के साथ बाकी और जीरोज नहीं लगाओगे, मतलब जैसे कि इसके प्लेस क्या है 10000 है ना, तो आप इसकी 10000 की यहाँ पे सिंगल जीरो ही लगाओगे। अगर हंड्रेड्स पे होता तो भी सिंगल जीरो लगती, आपने क्या है उतनी जीरोज नहीं लगानी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी क्या ये लिख देते हो एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके 3 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके आपको करवाती हूँ। जैसे इसके 3 फार्मूलाज हैं, मैंने क्या लिखा अभी 34657। ठीक है, तो एक तो इसकी ये होगी, देखो पहले 3 का लिखोगे ना, 3 के 30000 है ना, तो ये 3 10000 है, 30000 प्लस 4 क्या है 1000 है, प्लस 600 प्लस 50 प्लस 7, एक तो ये हो गया फार्मूला। सेकंड क्या है आपके पास, आप कैसे लिख सकते हो, 3 को कितना है ये 10000 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया आपने 1000 से, प्लस 6 को किस से मल्टीप्लाई किया आपने 100 से, प्लस 5 को किस से किया आपने 10 पे, और 7 को आपने किया 1 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे इसको, देखो 3 है वो 10000 प्लेस पे है, 4 जो है वो कहाँ पे है 1000 पे है, 6 कहाँ पे है 100 पे है, 5 टेंस प्लेस पे है, और 7 क्या है 1 प्लेस पे है। ठीक है, इस तरह से एक फार्मूला है। एक फार्मूला क्या है आपका, आप क्या लिखोगे 3 मल्टीप्लाई, 3 क्या है ये 10000 है आपका 1000। ठीक है, 3 क्या है 10000 है, 4 क्या है आपका 1000 प्लेस पे है 1000, प्लस आपके पास क्या है 6 क्या है आपका 100। ठीक है, 100 लिख लो इसको, प्लस 5 क्या है आपका 10s, एंड 7 क्या है आपका 1s। दीज आर द 3 वेज यू कैन राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। वेन एवर यू हैव गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म यू हैव टू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस तरह से नंबर को लिखना, जब आपको इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हो, किसी भी तरीके से दिया हो सकता है, आपने क्या करना है उसको इस नंबर में लिखना होता है, तो वो क्या कहलाती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो कैसे करोगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म सपोज आपके पास दिया हुआ है नंबर 1 20000 प्लस क्या दिया हुआ है आपके पास 4000 प्लस आपके पास है 100 प्लस 70 प्लस 5। ठीक है, अब देखो अब इसकी आप स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखोगे? आप लिखोगे इसको, सबसे बड़ा कौन सा है 20000 है, उसका क्या आ गया आपके पास 2, फिर क्या है आपके पास 4000, 10000 आ गया ये, उसके बाद 1000, 1000 प्लेस पे क्या है 4,
हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है वन, टेंस पे क्या है सेवन, और वंस पे क्या है आपका फाइव। इस तरह से अगर आपके पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, आपने इस तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। इसका एक और बता देती हूँ आपको मैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आप एट लैख प्लस आपके पास है सिक्स थाउजेंड प्लस है सिक्स। आप देखिए सबसे बड़ी कौन सी है, एट लैख है तो एट लैख लिख लिया। उसके बाद छोटी कौन सी होती है, टेन थाउजेंड्स होती है। प्लेस वैल्यू में आप लिखते हो ना पीरियड वाइज, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, उसके बाद लैख टेन लैख, इस तरह से फिर करोड़, इस तरह से। ठीक है, आप देखो इसमें क्या आ गया आपके पास लैख, इसके बाद यहाँ वाली आ गई। टेन थाउजेंड्स वाली फिगर है नहीं है, तो उसकी क्या लगाओगे आप, वी विल पिट जीरो हियर। देन थाउजेंड्स, थाउजेंड्स पे क्या है सिक्स। ठीक है, हंड्रेड्स की कोई वैल्यू है यहाँ पे नो, सो जीरो। टेंस की कोई वैल्यू है नो, देन जीरो। उसके बाद वंस, वंस पे क्या है आपका सिक्स। तो आपकी फिगर क्या बन गई है, एट लैख सिक्स थाउजेंड सिक्स। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म करनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक बी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिल द नंबर्स टू कंटिन्यू द पैटर्न। फिल द मिसिंग नंबर्स कंटिन्यू द पैटर्न, जैसा कि आप लोगों ने थर्ड क्लास में किया हुआ है ना, आपने किया हुआ है ना, जैसे टू फोर सिक्स, आगे क्या लिखते हो आप, अब ये क्या है, टू का टेबल है ना, जैसे टू फोर सिक्स एट, फिर टेन, फिर ट्वेल्व, ऐसे ही अब आपने क्या करना है, पैटर्न बनाना है। सपोज हमारे पास है 78,32,068। ठीक है, एक तो ये फिगर दी हुई है, उसके बाद है 78,33,068। अब आपने नेक्स्ट लिखनी है। अब देखो 78 लाख सेम है, 32,000 की बजाय यहाँ पे क्या आ गया, 33,000 आ गया। ये 68 सेम है, तो क्या हुआ, ये थाउजेंड्स प्लेस पे इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इसका थाउजेंड्स प्लेस ही इंक्रीज करोगे, बाकी का आप डिजिट सेम लिखोगे। तो क्या लिखोगे आप, 78,33 के बाद आप क्या लिखोगे, 34,068। फिर क्या आएगा, अब फोर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, इस पैटर्न को कंप्लीट करना। एक और एग्जांपल लेके करते हैं हम लोग। हाँ, जैसे ये था, ये बी हो गया, ये सी। ठीक है, अब देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है 4,28,400, यहाँ पे क्या है 5,28,400, तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, लैक्स वाली फिगर बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है, लैक्स ही इंक्रीज करने हैं, बाकी की फिगर एज इट इज़ रखनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6,28,400, 7,28,400। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, जो भी आपकी फिगर इंक्रीज हुई हो, अगर वो वंस पे है तो वंस वाली इंक्रीज करोगे, बाकी सारी सेम रखोगे। अगर टेंस वाली इंक्रीज हो रही है तो आप टेंस वाली को इंक्रीज करोगे, हंड्रेड्स पे है तो वो करोगे। इस तरह से आपने क्या करना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट अगेन। क्या किया हमने आज, सबसे पहले हमने किया आज एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना होता है, आपको उस नंबर को एक्सपेंड करके लिखना होता है, जिसके ये थ्री फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, आपको क्या हो सकता है, इसके तीनों के इस तरह से कोई भी मिसिंग में भी आ सकता है। जैसे ये 10,000 है, तो इसके बाद यहाँ पे मिसिंग हो,
तो ये 100 है, ये 10,000 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 1,000 आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है आपको, आपको कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर दिया होता है, आपने क्या करना है उसको प्लस करके, ये यहाँ पे लिखा होता है, आपने क्या करना है उसका एक नंबर बना के लिखना है, राइट। नेक्स्ट क्या है आपके पास, फिल द मिसिंग नंबर्स टू कंटिन्यू द पैटर्न, आपने उस पैटर्न को कंप्लीट करना है, जो भी नंबर इंक्रीज हो रहा है आप उस नंबर को इंक्रीज करते जाइए और बाकी को एज इट इज़ लिखते जाइए, ओके, ठीक है। यू हैव टू डू इट एट योर होम, ओके, थैंक यू।